ट्राई टू राइट डाउन मैक्सिमम लेक्चर पॉइंट्स ड्यूरिंग द लाइव क्लास। कई बच्चे क्या करते हैं ना, तो डेढ़, अगर मान लो एक घंटा 45 मिनट या दो घंटे के हमारे पास लेक्चर है, इसको एम्पलीफाई कर देते। एम्पलीफाई मतलब इसको 5 घंटे का एक लेक्चर बना देते हैं, क्योंकि उनको पहले क्रियांस से कलर भरना है अपनी कापी में, फूल पत्ती बनाना है। अरे भाई, मेन मेन पॉइंट्स लिखते चलिए क्लास में, जो चीजें छूट जाए आधे घंटे के अंदर समाप्त कर दिए जाए अपना सारा लिखने वाला काम। रिकॉर्डेड फॉर्म में लीड टू प्रोक्रेस्टिनेशन। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं, और मैं बता रहा हूँ रिकॉर्डेड फॉर्म में। लाइव में क्या होता है, जैसे मान लो कि मेरे को भी अगर लेक्चर रिकॉर्ड करना होगा ना, तो मेरे को आलस आएगा, मेरे को कहेगा 5 मिनट बाद कर लेंगे। वो 5 मिनट कब 10 मिनट हो जाता पता ही नहीं चलता है। वही सेम चीज बच्चे के साथ भी होती है, इसलिए मैं आप सभी लोगों से मैंने प्रॉमिस कराया था कि कोशिश करना कि आप लाइव क्लास अटेंड करें, एटलीस्ट आपका 50% काम लाइव क्लास में खत्म हो जाएगा। बकैती वाले डाउट्स में जब मैंने देखा, तो सबसे बड़ा डाउट था कि हाउ टू बैलेंस स्कूल विद ऑनलाइन क्लासेस। कितने सारे बच्चों को ये सिमिलर डाउट है कि सर स्कूल को कैसे मैनेज करें। तो स्कूल को कैसे मैनेज करें, उसका एक ही रास्ता है कि आप प्रिंसिपल बन जाइए। पहली बार पढ़ाई कर रहे हो क्या सीधे 12वीं में आके? कभी ट्यूशन नहीं लिए 9वीं 10वीं में? एक बच्चा कह रहा हाउ टू मैनेज पीडब्ल्यू। बेटा अलग सर की जॉब खा जाओ, बैठ जाओ तुम वहां पर। मजाक थोड़ा सा हम सपाट कर देते हैं साइड में, ठीक है। डमी स्टूडेंट्स की बात ही नहीं है भाई, डमी स्टूडेंट्स तो भाई साहब अपने मन मौजिया है, स्कूल ही काट दिया, 11वीं 12वीं हम पढ़ेंगे। अब देखो भाई कुछ चीजें, अब देखो वही बात है कि मैं अभी बताऊंगा, एक बच्चा 5 मिनट बाद टाइ ऑन करके आएगा, सर स्कूल कैसे मैनेज करें, फिर से पूछेगा वही डाउट। नेवर टेक मल्टीपल कोचिंग्स एंड मल्टीपल रेफरेंस मटेरियल, सबसे पहली बात। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई ऑफलाइन भी ज्वाइन कर रखा है, ऑनलाइन भी ज्वाइन कर रखा है, और प्लस एक पर्सनल ट्यूशन भी लगा रखा है, स्कूल समय ही नहीं बचेगा तो कैसे कर लोगे। मल्टीपल रेफरेंस मटेरियल, मैंने आपको बताया है कि आपको सिर्फ अपने नोट्स को अच्छे से रखना है, डीपीपीज मॉड्यूल एचसी वर्मा दैट्स इट। सिलेबस बीइंग टॉट इन लाइव क्लासेस सेम एज फॉर बोर्ड्स एंड स्कूल एग्जाम्स। आप किसी भी बोर्ड के हैं, किसी भी स्कूल एग्जाम की अगर आप बात करें, सर हम उसके लिए क्या पढ़ना, अरे अगर आप एक जगह अच्छे से अगर आप पढ़ लेना तो वही सेम चीज आपको वहां लिखनी है। ऐसा तो होएगा नहीं ना भाई, रहेगा तो वही कंसेप्ट। तो आपको जो भी चीज पढ़ाई जा रही है वो स्कूल में भी सेम रहेगी, तो आपको एक जगह पढ़ना है और शांति से पढ़ना है, क्लियर। बिलीव मी, ये साल मैं आप सभी लोगों का, एक साल भी नहीं 7-8 महीने, मैं आप सभी लोगों का फुल कंसंट्रेशन डिमांड करता हूँ।